इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से विधायक बद्रीनाथ के महेंद्र भट्ट जी, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। विधायक जी, 2022 नज़दीक है, अगर हम 2017 के चुनाव में देखें, आप जीत कर आए थे, जो आपने वादे किए 2017 के चुनाव में, अगर हम अभी तक देखें, पिछले 5 साल होने को आए हैं, तो कितना पूरा हो चुका है? और 2022 को लेकर अगर आपको टिकट मिलता है तो आगे आप किन किन चीज़ों को और आगे पूरा करेंगे क्षेत्र में? देखिए, मैं बहुत सीमांत क्षेत्र का विधायक हूँ और बद्रीनाथ, मैं जहाँ बद्रीनाथ जी का धाम है वहाँ आपके हेमकुंड साहब है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे लगती है सड़कों के संदर्भ में थी। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मैं 85% से अधिक गांव हमने सड़क से जोड़ चुके हैं। अब सीमित 2-3 एक गांव पोखरी का आया, जैसे 2 गांव जोशीमठ के छूटे हैं। लगभग लोगों ने प्राथमिकता में सड़क रखी, सड़क इसलिए रखी कि बिना सड़क के विकास संभव नहीं था। और मैं आज कहते हुए मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, केदारनाथ के सापेक्ष जिस तरह केदारनाथ में भव्य मंदिर बनाया, ऐसी बद्रीनाथ में बनने वाला है। पहली बार हमने इनर लाइन वो नीति तक पहुँचा दी है। अब जो है अपना वहाँ जो टिमरसैन महादेव का मंदिर है वहाँ तक लोग दर्शन करने जा सकते हैं। और धीरे धीरे मेरा प्रयास होगा कि सीमा दर्शन यात्रा भी हम सीमांत क्षेत्रों तक पहुँचा सकें। जैसे आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर दुनिया जाती है, ऐसी हमारे चाइना बॉर्डर की सीमा तक रोड चली गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैंने देश के गृहमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर सीमा दर्शन यात्रा भी प्रारंभ हो जाए, जिससे बड़ी संख्या में देश के विभिन्न भूभागों के लोग वहाँ तक पहुँच सकें। अगर हम बात करें, पलायन एक बड़ा मुद्दा है और विधानसभा सत्र भी चल रहा है, पलायन के लोग किस तरह से आपके जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया गया है, साथ ही साथ हम विलेज स्मार्ट विलेज बनाने की बात करते हैं, उसको लेकर क्या कुछ किया गया? और दूसरा बड़ा समस्या है कि चिकित्सा, इन 3 चीज़ों पर किस किस तरह से काम किया गया है? देखिए, उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 22 साल होने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य की कल्पना इसलिए की गई थी कि पलायन रुके। ये ठीक है कि उत्तराखंड के नेचर में सरकारी नौकरी भी एक बड़ा माध्यम बना कि बच्चों को आंदोलन हुआ उत्तराखंड राज्य का, सबको ये लगता था कि सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सीमित है ना, सीमित सरकारी नौकरी, जहाँ की तारीख में हम कहते हैं कि डॉक्टर पूरे हैं, अध्यापक पूरे हैं, पुलिस के स्टाफ पूरा है, तो सब कुछ पूरा है। तो 2000 में जो नियुक्ति हुई होगी, आज वो 47 साल हो रहे हैं, तो 25 साल का लड़का जो लगा होगा आज 47 साल का, 13 साल है उसमें रिटायरमेंट के, तो 13 साल बाद पोस्टें नहीं करेंगे। समय के साथ स्वरोजगार ही यहाँ का एक बड़ा माध्यम बन सकता है और उस दिशा में पहली बार उत्तराखंड की सरकार ने इतने वर्षों में सोचना प्रारंभ किया। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, आज पुष्कर जी मुख्यमंत्री हैं, तो पहला कंसेप्ट लाए हैं कि चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, इसके माध्यम स्वरोजगार को हमने बढ़ावा दिया और हिमाचल ने इसको शुरू में अपनाया। हम आज को पहल को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का सपना दिखा दिखा कर वास्तव में हमने युवाओं को गुमराह किया और इसका कारण पलायन बख्श हुआ है। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ, कोरोना के बाद, कोरोना की घटना के बाद जितने लोग पलायन करके वापस आए, अधिकतर लोगों ने अपना स्वरोजगार अपनाया और वही बात आज सदन के अंदर भी माननीय मंत्री जी ने कही है। चिकित्सा को लेकर खासकर एक बड़ा इशू है, चिकित्सा के अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, जो मशीनें होती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो चमोली ज़िले में बद्रीनाथ आता, अगर वहाँ से उस क्षेत्र के कुछ जो लोग होंगे तो गोपेश्वर में भी उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हैं, फिर उनको श्रीनगर रेफर किया जाता है, और फिर जब ज़्यादा इंजरी हो जाती है, कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत होती है, फिर उनको हायर सेंटर रेफर किया कर दिया जाता है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो उत्तराखंड की जो चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं हायर सेंटर के जरिए रेफर सेंटर बनकर रह गई है, इसको लेकर आपके क्षेत्र में किस तरह काम किया? देखिए, ऐसा है, ये सच्चाई है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पलायन भी एक उसका भी बड़ा कारण रहा है। और मैं आज कह सकता हूँ, अगर आप जिले के मुख्यालयों के हॉस्पिटल को देखेंगे तो इन 5 सालों में उसमें गुणात्मक सुधार हमने किया है। आज मैं गोपेश्वर अपने हेडक्वार्टर की बात करूँ तो सारे डॉक्टर हमने वहाँ भेज दिए हैं, जो आपका जोशीमठ का हॉस्पिटल है, पोखरी हॉस्पिटल है, पहले से तुलना में वहाँ डॉक्टर बढ़ाए हैं। ये भी सच है कि आप डॉक्टर आज हमारे भाई बंद हैं, धीरे धीरे कैसे करके उनको पहाड़ों की ओर ले जा सकें, इसके लिए एक नीति की आवश्यकता है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की है और मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी उनके लिए नीति बनेगी। पहाड़ के अंदर जो सरकारी सेवा देने वाले डॉक्टर हैं उनको हम क्या लाभांश दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण आवश्यकता। दूसरी बात कि जब ये सब दिक्कतें पैदा हुई तो हमने 2 विकल्प और चुने, एक तो अब एयर एम्बुलेंस का विकल्प सुना और अटल आयुष्मान कार्ड, ये गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अब जो है इससे दिक्कत रहा है। इसके भी कारण अधिकतर लोग देहरादून आ रहे हैं, 5 लाख का फ्री इलाज है तो उनको पता है कि कौन हॉस्पिटल में इलाज होना है, तो वो भी एक कारण बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे उस व्यवस्था करना, और मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार कंसेप्ट है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ये बड़ी विषय है, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम पहाड़ के अंदर भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सफल होंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा, बद्रीनाथ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितना आसान्वित है टिकट को लेकर, और 2022 के जो चुनाव आएंगे क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप आगे पूरा करना चाहते हैं, आगे अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे? अगर आप
देखिए, टिकट के लिए बीजेपी का कोई कहता आसामी नहीं रहता है। मेरा नेतृत्व तो तय करता है किसको टिकट देना है, किसको लड़ाना है। मैं तो 10 साल बाद मुझे पार्टी ने टिकट दिया ना। और ये ठीक है कि जब हम मानो मेरा नेतृत्व मुझे विश्वास करता है, मुझे टिकट मिलता है और मैं वहाँ की जनता के आसपास पुनः दोबारा जीत के आता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें जो मेरे आज संज्ञान में, खासतौर पर भी सड़कों को हमने प्राथमिकता दी है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता का विषय रहेगा, पेयजल की बड़ी समस्या है उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, घर घर नल के प्रयोग, लेकिन और भी बहुत से पक्ष हैं जिनको मैं देखूंगा। और मेरा मूल जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है कि उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन टूरिज्म इसको बढ़ाना, क्योंकि हम लोग केवल 6 महीने के टूरिज्म के आधार पर अपने उद्योगों अपना स्वरोजगार स्थापित नहीं कर सकते हैं। शीतकालीन उद्योग के लिए अभी जो सर्किट बन रहे हैं, चाहे देवभूमि सर्किट है, आपका अलग अलग देवी देवताओं के सर्किट बने, उसमें भी हमने बहुत से क्षेत्रों के, मेरे क्षेत्र के मंदिर आए हैं, उसमें आज मैं कह सकता हूँ बधाई आप सबके चैनल से दे रहा हूँ कि पहले उर्गम घाटी के लिए भी आज हम लोग उसको सर्किट में, पर्यटन सर्किट में आज जुड़वा दिया, माननीय मंत्री जी का बयान भी आया, तो उर्गम घाटी के मंदिर जो वहाँ पर हमारे जो ध्यान मंदिर है, ऐसे मंदिर है, खासतौर कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको मैं उसको उन्होंने उसमें जोड़ दिया है। और भविष्य के अंदर कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग, उस दृष्टि में हमने एक नया विषय, क्योंकि जैसे आप मथुरा में जाते हैं परिक्रमा होती है, अयोध्या में परिक्रमा, ऐसी कल्पेश्वर भगवान की परिक्रमा से भी बड़ा लाभ मिलने वाला, धीरे धीरे हम लोग अनसुया माता, वहाँ पुत्र रत्न के लोग जो जाते हैं, तो वहाँ के लिए मार्ग की व्यवस्था बने, तो धीरे धीरे ये शीतकालीन टूरिज्म में हमारा खड़ा हो, इस हम लोग प्रयास करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट जी। साफ तौर पर कहना है कि 85% काम तक उन्होंने पूरा कर चुके हैं जो उन्होंने वादे किए थे 2017 में, और 2022 को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर शीर्ष हाईकमान उनके ऊपर विश्वास करता है, वो टिकट देता है, तो कई ऐसे अधूरे कार्य हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको वो पूरा करेंगे आने वाले अगले कुछ सालों में। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।